नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y35 2022 वर्सेस Xiaomi Redmi 10 Power का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y35 2022 में 6.47 इंच जबकि Redmi 10 Power में 6.67 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Y35 2022 में 3 इंच जबकि Redmi 10 Power में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Y35 2022 में 0.32 इंच जबकि Redmi 10 Power में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 35/2022 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y35 2022 में 188 ग्राम जबकि Redmi 10 Power में 203 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 35/2022 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही टिप्स LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Y35 2022 में 20:9 जबकि Redmi 10 Power में 20:6:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y35 2022 में 6.58 इंचेस जबकि Redmi 10 Power में 6.71 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y35 2022 में 1080x2408 और Redmi 10 Power में 720x1650 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y35 2022 में 83.6% जबकि Redmi 10 Power में 82.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y35 2022 में 401 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi 10 Power में 268 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 35/2022 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 10 Power की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y35 2022 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi 10 Power की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y35 2022 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Redmi 10 Power में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 6 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 610 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y35 2022 में अप टू 1TB जबकि Redmi 10 Power में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y35 2022 में Android V12 जबकि Redmi 10 Power में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Y35 2022 में 5000 mAh जबकि Redmi 10 Power में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y35 2022 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,499 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Redmi 10 Power की तो वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो दोनों फोन में साथ फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M33 5G है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी F23 5G है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी M13 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 19 न्यू है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।